So far, we have discussed about the Rutherford model of atom, Thomson model of atom, and Bohr model of atom. These three model of atom, they gave us an idea that the atom, it consists of some subatomic particles. Okay, from the Thomson model of atom, J.J. Thomson model of atom, we predict the presence of protons and electrons. Using the Rutherford model of atom, we predict that there is some nucleus present in it, right? But further discoveries, they show that in the nucleus part, okay, nucleus mein, jo nucleus hai aapka, wo kis kis se bana hua hai? The nucleus is formed from the protons and the neutrons. Okay, तो हमने यहां तक जो है वो अपना सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए हुए हैं, राइट? थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशंस, ठीक है? अब हम इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर जो डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे. सबसे पहले आती है एटॉमिक नंबर. द फर्स्ट वन इज एटॉमिक नंबर. आपने लास्ट चैप्टर में भी ये चीज जो है वो पढ़ी है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर, ओके? बट हियर वी विल बी डिफाइनिंग इट and you will be understanding it. Okay, so atomic number is basically, it is the number of protons present. ठीक है, अब आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है वो प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का बना हुआ है. ओके, तो ये जो आपके प्रोटोन्स है ये किसमें प्रेजेंट होंगे? दे विल बी प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ओके, सो जितने भी आपके प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के या न्यूक्लियस के अंदर, वो सब आपको क्या देंगे? एटॉमिक नंबर देंगे ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. इज दिस क्लियर? यस, इज दिस क्लियर? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? ओके, तो आप इसको और किस वे से डिफाइन कर सकते हो? देखो, प्रोटॉन्स हमें पता है दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो दैट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ओके, दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. तो अगर आपने प्रोटॉन नहीं लिखना है तो आप और क्या कह सकते हो? पॉजिटिव चार्ज कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस. तो कितना पॉजिटिव चार्ज है दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू द एटॉमिक नंबर. Now there is some notation for the atomic number. तो हम atomic number को कैसे specify करते हैं? By Z. हम atomic number को कैसे specify करते हैं? Z के साथ. Okay. Now here the next thing we are going to study is, we know atom on the whole is neutral. ये हमें पता है कि जो atom है वो on the whole neutral है. Atom on the whole is neutral. Okay, what that means? For the neutrality of any atom, we mean that the number of positive charge is equal to the number of negative charge. यही होगा मतलब? हाँ जी, यही मतलब होगा कि जितना भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल है, इसीलिए जो आपका एटम है वो क्या है? न्यूट्रल है. ओके, नाउ सिंस वी नो दैट द पॉजिटिव चार्ज इट इज स्पेसिफाइड बाय द प्रोटॉन्स, द पॉजिटिव चार्ज इज स्पेसिफाइड बाय द प्रोटॉन्स एंड द नेगेटिव चार्ज इज स्पेसिफाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे. हाँ जी, यही होगा. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ऐसे ही होगा ना, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा. ओके,
तो क्लियर टिल नाउ? यहां तक हमने क्या कहा है कि एटम ऑन द होल न्यूट्रल है, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यानी कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ओके तो अगर मैं प्रोटॉन्स को, इफ आई एम स्पेसिफाइंग द प्रोटॉन्स विद अ सिंबल जेड, एटॉमिक नंबर के साथ डिनोट कर रही हूं, अगर मैं प्रोटॉन्स को जेड कह रही हूं यानी कि एटॉमिक नंबर कह रही हूं, तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन स्पेसिफाई करने हैं तो वो भी क्या बताएंगे मुझे, वो भी जेड के इक्वल ही होंगे। समझ रहे हो? इफ जेड इज इक्वल टू प्रोटॉन्स, इफ जेड इज इक्वल टू प्रोटॉन्स देन जेड शुड ऑल्सो बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। ओके सो जेड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। तो अगर आपको जेड गिवन है, आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, तो आप वहां से दो चीजें निकाल सकते हो, आप प्रोटॉन्स भी निकाल सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं तो आप उसमें प्रोटोन भी बता सकते हो, एटोमिक नंबर बता सकते हो। सेम अगर आपको प्रोटॉन्स गिवन है तो आप एटॉमिक नंबर जेड बता सकते हो और इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हो। ओके इज दिस क्लियर टिल नाउ? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैसे सोडियम की। इफ आई एम हैविंग अ सोडियम एटम, यू नो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? यस दिया, 11। वेरी गुड, सो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। नाउ व्हाट दैट मींस, इट इज हैविंग 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। ओके इसका मतलब ये है, इज दिस क्लियर? यस इज दिस क्लियर? ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ मास नंबर, ये भी आप पढ़ के आए हो। ठीक है, तो यहां से हमने इन शॉर्ट क्या डिराइव किया है कि जो जेड है वो ई के इक्वल है, दैट इज आल्सो इक्वल टू ई। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे विल बी इक्वल टू जेड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट इज मास नंबर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मास नंबर। नाउ द टर्म मास नंबर इट इज स्पेसिफाइड बाय ए। ठीक है, जैसे आप एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हो, जो मास नंबर है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। Now this mass number, it is equal to the sum of protons, this is equal to the sum of protons and neutrons present in the nucleus। आपको पता है अब न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ओके तो इन्हीं प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का जो सम होगा वो आपको क्या देगा, इट विल बी गिविंग यू द मास नंबर। द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, of any element। Okay, is this clear? Protons और neutrons को हम collectively nucleons भी कहते हैं। Nucleons क्या होते हैं? Nucleon is proton and neutron। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, और न्यूक्लियस इट इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस किसका बना हुआ है? न्यूक्लियॉन्स का बना हुआ है। जहां पर मैं न्यूक्लियॉन्स किसको कहती हूँ? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कहती हूँ।
ओके, वी कैन ऑल्सो से दिस टर्म फॉर द प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली, दोनों को कंबाइन करके हम इनको एक नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स. ओके, इज दिस क्लियर? तो हमने Z पढ़ा है, Z किसके इक्वल है? इलेक्ट्रॉन, विच इज इक्वल टू प्रोटोन. एंड A अभी हमने पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू P प्लस N, नंबर ऑफ प्रोटोन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दीज फॉर अ पर्टिकुलर एटम. अब अगर मुझे कोई एटम दिया गया है तो उसके लिए कैसे मैंने मास नंबर निकालना है और कैसे मैंने उसका एटॉमिक नंबर निकालना है, दिस वी विल बी फाइंडिंग नाउ. सी, एनी एटम ऑफ एनी एलिमेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. एक्स जो है वो आपका कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसका मैं सिंबल लिखती हूं. सबसे ऊपर हम लिखते हैं उसका मास नंबर और सबसे नीचे हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, राइट? अब आपको पता है कि जो एबीसीडी है वो स्टार्ट कहां से होती है? ए से. तो ए टॉप पे, और वो एंड कहां पर होती है? जेड में. तो जेड नीचे, ठीक है. तो ए टू जेड, तो हमेशा याद रखना है ए ऊपर जाएगा और जेड जो है वो नीचे लिखा जाएगा. आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों को सेम साइड भी लिख सकते हो, ठीक है, जो साइड ए है उस साइड जेड भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट. ऐसे हम इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट कार्बन, अगर मैं कार्बन की बात कर रही हूं तो कार्बन का सिंबल मैंने लिखना है यहां पर. कार्बन का सिंबल है सी, तो मैंने एक्स की जगह क्या लिखा है? सी, उसका सिंबल लिखना है. एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट. ओके, अब हमने सी का लिखना है ए और जेड. सी, ए एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. नाउ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर द कार्बन? हां जी बोलिए बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर? यस मिलन, यस मिलन, अर्शप्रीत, सिक्स, वेरी गुड. ठीक है, तो सिक्स को मैं लिखूंगी यहां पर नीचे, राइट? यस पनिका, ओके. धीरेन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास नंबर फॉर कार्बन? मैम 12. वेरी गुड, 12. तो आप ये पढ़ के आए हो ना, ठीक है, तो अभी 12 हम यहाँ पर लिखेंगे. ओके, सो एनी एलिमेंट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस इन इट्स फॉर्म. एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन यही होती है, राइट? दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, राइट? तो अभी आपको पता है कि अगर इसमें मैं ये सिक्स लिख रही हूं तो ये सिक्स प्रोटॉन्स भी हैं और ये सिक्स क्या हैं? इसके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. ये 12, दिस 12, इट इज गिविंग यू द नंबर और द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स. ओके, चलिए, राइट डाउन वन न्यूमेरिकल नाउ रिलेटिंग टू दिस एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर कंसेप्ट. एक न्यूमेरिकल लिखिए बेटा. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, आपने सारे कैलकुलेट करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियॉन्स, राइट? अभी जैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आप कलेक्टिवली दोनों को जोड़ के लिखोगे तो वो आपको न्यूक्लियॉन्स देंगे, राइट? फॉर दी पोटाशियम, अब मैं पोटाशियम का आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर नहीं दूंगी, अज्यूमिंग एज इफ यू कैन राइट डाउन. वैसे क्वेश्चन में गिवन है बट मैं देखना चाहती हूँ आपको आता है कि नहीं. तो आप पढ़ के आए हो पोटेशियम, इट इज द एटॉमिक नंबर कितना होता है पोटेशियम का? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम? जी यस जसलीन, 19. वेरी गुड, 19.
Yes, Arshpreet, what is the mass number of potassium? 39. Very good. 19 is odd. So, हमने क्या करना है? Odd को multiply करना है 2 के साथ and then we will be adding 1. So, 2 के साथ multiply करोगे, that will be 38 और 1 plus करके 39. Okay, so this part is given to you. Now, you have to calculate electrons, protons, neutrons and nucleons. See how we are going to do this numerical. If I compare it with the general representation with this, तो ये Z जो है, उन्होंने मुझे कितना दिया हुआ है? 19 given है. Okay, so Z is given to me 19, where the Z it represents the number of protons. Okay, तो protons कितने हैं? 19. अगर protons 19 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 19. इफ आई टॉक अबाउट न्यूट्रॉन्स नाउ, तो ए जो है वो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. ओके, यहां पर ए की वैल्यू आपको 39 गिवन है. आई नो द वैल्यू ऑफ प्रोटॉन्स ऑल्सो, दैट इज 19. तो यहां से आपके न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे. हाँ जी, कितने आए बेटा? 20, राइट. न्यूक्लियॉन्स 20 प्लस 19 39, तो न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 39. 20 न्यूट्रॉन्स हैं, ओके, एंड 19 प्रोटॉन्स हैं. तो आप दोनों को प्लस करोगे तो ये आपको क्या दे देंगे? न्यूक्लियॉन्स दे देंगे. ओके, तो ये अभी मैंने एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बताया है. Now here one thing more बेटा, one thing more, जो आप यहाँ पर protons और electrons का number same लिखते हो, it is always for the neutral atom. If you are talking about the neutral atom in that particular case, neutral का मतलब समझते हो कि जो आपका atom है वो कुछ भी lose या gain नहीं कर रहा है. ओके, तो जब आपका एटम जो है वो लूज या गेन नहीं कर रहा है, इट इज प्रेजेंट इन इट्स न्यूट्रल स्टेट, उस पॉइंट पे जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे विल बी सेम. ओके, बट यू नो देयर आर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज आल्सो, देयर आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज आल्सो, है ना. हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस आते हैं जिनको आप कैटायंस कहते हो, एंड वी आर हैविंग नेगेटिवली चार्ज आयंस आल्सो जिनको आप एनायंस कहते हो. तो ये कैसे बनते होंगे, राइट, हाउ दे विल बी फॉर्मिंग. वैसे आप चार्ज्ड स्पीशीज के लिए नहीं कैलकुलेट करोगे ये सारी चीजें, बट यू शुड बी नोइंग, ओके, कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए सेम रहती हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अगर आपकी स्पीशीज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन का नंबर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. ओके, अगर आपकी स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन का नंबर है इट इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब प्रोटॉन का नंबर ज्यादा, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है. नाउ इफ वी सी कि ये कैसे बना होगा, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा कैसे हुआ होगा, कि उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किए होंगे? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, किसी भी एटम के जो प्रोटॉन्स हैं दे आर डीपली इनसाइड द न्यूक्लियस, तो ये तो पॉइंट नहीं है कि वो जो है वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज किसी से ले. इसका मतलब क्या हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, दैट मींस इट हैज लूज सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन. ओके, इट हैज लॉस्ट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हैज लॉस्ट और इट हैज लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर. ओके, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा तभी जो है वो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हुआ होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ गया होगा. ओके, अगर स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज है, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनायंस, व्हाट दैट मींस,
कि अब उसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या किए होंगे, गेन किए होंगे। ओके, तो इन आइदर केस, दोनों केसेस में आप देख सकते हो कि प्रोटोन का ट्रांसफर नहीं हुआ है, प्रोटॉन्स जितने थे उतने ही रहे हैं। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेंज होते हैं बस। इज दिस थिंग क्लियर? समझ आया? ठीक है, तो अगर आपको पूछ लेते हैं कि हाउ द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज दे आर फॉर्म्ड, सो द नंबर ऑफ द प्रोटोन इट इज ऑलवेज सेम। जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज है जो घूम रहा है, या कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, राइट। न्यूट्रल में दोनों का अमाउंट सेम होगा, पॉजिटिव में जो प्रोटोन है वो बढ़ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, उसने इलेक्ट्रॉन दे देने हैं अपने, और अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है तो उसने वही इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेने हैं। ओके, नाउ राइट डाउन वन मोर न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट ई। यू हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट ई हूज एटॉमिक न्यूक्लियस हैज मास नंबर 39, हूज एटॉमिक न्यूक्लियस हैज मास नंबर 39 एंड न्यूट्रॉन नंबर 20। चलिए, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, निकालो और मुझे आंसर बताओ। आपको मास नंबर और न्यूट्रॉन्स दिए हैं, यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोटॉन्स, नो यू हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर, जेड कैलकुलेट करना है आपने। ओके, यस प्रगुन, प्रगुन मैम 19, यस दैट इज 19। कैसे निकाला हमने? हमें पता है कि ए किसके इक्वल है, एन प्लस पी के इक्वल है, तो अगर मुझे ए भी गिवन है और मुझे एन भी गिवन है तो मैं दोनों को माइनस करके पी निकाल सकती हूँ, सो पी विल बी 19। ओके, नाउ हियर वन थिंग मोर। अच्छा, एक केस पूछती हूँ मैं आपसे, यू हैव टू गिव द आंसर। नेम एन एटम, आपने एक एटम बताना है हूज न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स, जिसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं है। यू हैव टू नेम दैट एटम। यस धीरेन मैम, हाइड्रोजन। वेरी गुड, हाइड्रोजन। आप देख सकते हो हाइड्रोजन की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, ऐसी है ना? यस, हाइड्रोजन इज हैविंग जेड वन एंड हाइड्रोजन इज हैविंग ए वन। तो जब आप ए माइनस जेड करोगे, जब आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे, तो वो भी आपको क्या देंगे? न्यूट्रॉन्स। तो आपने अगर इन जनरल लिखना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला, तो वो किसके इक्वल हो जाता है? ए माइनस जेड के इक्वल हो जाता है। एटॉमिक नंबर में से प्रोटॉन्स माइनस कर दो, ठीक है, तो ये भी आपको न्यूट्रॉन्स दे देते हैं। तो वन माइनस वन करोगे तो न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल आ गया? जीरो। ओके, सो व्हेन वी डिड वन माइनस वन, दिस इज वन एंड दिस इज वन, ए माइनस जेड करेंगे तो जीरो आ गया। इसका मतलब कि जो हमारा हाइड्रोजन ही एक ऐसा केस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है। ओके, राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। एन एटम हैज 9 प्रोटॉन्स, 9 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 न्यूट्रॉन्स। आपने उसका सिंबल बताना है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स 9 है, न्यूट्रॉन 10 है, आपने उसका सिंबल बताना है। यस, यस मिलन, ईवा मैम, फ्लोरीन। दैट इज फ्लोरीन। कैसे निकाला है हमने मैम? बिकॉज नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
सो मैम 9 जो है वो एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का, यू नो द एटॉमिक नंबर 9 इज फॉर द फ्लोरीन, या पढ़ के आए हो, ठीक है, एलिमेंट्स पढ़े हैं ना हमने, तो जैसे 6 कार्बन है, 7 नाइट्रोजन है, 8 ऑक्सीजन है, 9 जो है वो फ्लोरीन है, तो हमने देख लिया कि ये फ्लोरीन है F, सो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगी दैट विल बी F. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, व्हाट वी विल बी राइटिंग हेयर एंड व्हाट विल बी राइटिंग हेयर, ऊपर आएगा A, A इज द कॉम्बिनेशन ऑफ P प्लस N, सम ऑफ P प्लस N, तो 10 प्लस 9 इज 19, नीचे आएगा 9, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, ठीक है जी, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन बनेगी. इज दिस क्लियर बेटा, इज दिस क्लियर, ठीक है, चलो मैं एक टेबल बनाती हूँ, आपने वो कंप्लीट करना है, अगर नहीं भी हुआ तो डैट विल बी योर होमवर्क, तो मैं कल आपसे पूछूंगी. So we will be making a table. You have to complete that table now. Chaliye, write down. Here I'll be writing the element. Neutrons, protons and electrons. Okay. Here I'll be writing A and Z. ठीक है जी, तो ये सारी चीजें मैं लिखने लगी हूँ, जो चीजें मिसिंग होंगी आपने वो फिल करनी है. बेरिलियम मैग्नीशियम सिलिकॉन फॉस्फोरस ट्वेल्व फोर्टीन फोर 15 12 9 and 31 and that is 40. ठीक है जी, तो दिस इज द टेबल, बना लो फिर कंप्लीट करना शुरू करते हैं इसको. ओके, इफ यू आर डन लेट मी नो, ठीक है, सॉल्व कर लिया होगा तो हैंड रेज करना शुरू करो, देन आई विल बी आस्किंग यू the correct answers. हाँ जी, डन. चलिए, यस लक्ष, ऑन योर वीडियो, दोज हु हैव रेज देयर हैंड्स प्लीज ऑन योर वीडियो, तभी आंसर लोगे. यस अर्श. मैम, इन बेरिलियम न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 5 फॉर द बेरिलियम, एन की वैल्यू बता रहे हो? यस मैम, 5. ओके, एन इज 5, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे आर 5. कैसे 5 आया होगा बेटा, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमने ए माइनस जेड करना है, एंड वी नो हियर द जेड इज इक्विवेलेंट टू पी, तो 9 माइनस 4 करोगे इट विल गिव यू 5. ओके, यस. ई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 4. इट विल बी 4. Because protons and electrons they are same. And what about Z?
मैम इट इज आल्सो फोर. इट विल आल्सो बी फोर. वेरी गुड. ओके यस धीरेन. फॉर मैग्नीशियम. यस मैम. For magnesium, ma'am, protons are 12. For magnesium, the protons are 12. Okay, how 12? Ma'am, because E equals to 12 and P equals to 12. क्योंकि ये आपको E 12 दिया हुआ है ना, ठीक है? E 12 है तो यानी कि P भी 12 होगा. अगर ये दोनों 12 हैं तो that means this should also be 12. And what about A? A is 24. A is 24. We have to plus them. 12 plus 12, it is going to give you 24. Very good. Yes, Diya? Ma'am, and silicon protons are 14. For silicon, the protons are? 14. 14. Okay. Kyunki Z14 given hai. Electrons? Ma'am, electrons will be equal 14. They will also be equal to 14. And what about A? Mass number will be 28. Sum of neutrons and protons. 14 plus 14, that will be 28. Okay, next is for your homework. Okay, we will be discussing that tomorrow.